Anything you say about your pussy, my superior. Anything you say about your pussy, my superior. Anything you say about your pussy, my superior. तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं हथुआ में। आज यहाँ का जो मंदिर है काफ़ी तगड़ा मंदिर है, जिसका नाम है गोपाल मंदिर। यहाँ पे कृष्ण भगवान का मूर्ति रखा गया है, जो हमको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो फिर मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ कितना मतलब कितना अच्छा लोकेशन है। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा मंदिर है और कई साल पुरानी मंदिर है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, फिर मिलता हूँ वीडियो के गाइज, हम लोग मंदिर के गेट पे हैं, दिखा सकते हैं बैक में मेरे। फिर मैं चलता हूँ अंदर, एंट्री लेता हूँ। यहाँ पे कृष्ण भगवान का मूर्ति रखा गया है, तो मैं उनको दिखाता हूँ और पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको कब से मतलब ये चालू हुआ है। बीच में तो लॉकडाउन था तो बंद था यह, तो अभी चालू हुआ है। हम लोग आए थे पहले भी, तो फिर हम लोग वापस चले गए, नहीं बन पाया था क्योंकि लॉकडाउन था ना, उसीलिए। सरकार का पालन करो भाई, जो आदेश दें उसका पालन करो, नहीं तो जाओगे 2 किलो के भाव में। तो देखो भाई, काफ़ी खतरनाक लग रहा है। मैं बैग से दिखाता हूँ आपको जो मंदिर का गेट है। तो गाइस, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। आज काफ़ी शांत है क्योंकि कल छठ है ना, छठ पूजा है। कल आज भी है, तो आज छोटा वाला है, कल बड़ा है, तो आज उसी लिए मतलब कोई बंदे नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और जो बैग मेरे है, देखिए बैग में यह मेरे झाल है, क्योंकि इसको अलग पार्ट में कर दिया ना, दो पार्ट में। यह मंदिर है, मेरे झाल है, मेरे झाल है भाई, ये मेरे झाल है। आगे से गेट है इसका, उधर से इसमें मतलब मेरे झाल आ गया है आधा। ये मंदिर है, देखो मंदिर काफ़ी बड़ा है। और आज तो बोल रहे थे अंकल कि आज नहीं आ पाए, कोई बंदे नहीं आए हैं आज, काफ़ी मतलब भीड़ थोड़ा भी नहीं है, क्योंकि आज कल छठ है उसीलिए कोई आया नहीं है। नहीं तो यहाँ पे एकदम भीड़ काफ़ी रहता है, पूरा भरा रहता है। और गाइस, हम लोग अंदर नहीं जा, अंदर जा सकते हैं भाई? अंदर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि ताला लगा है, लॉक है, तो बाहर से ही चलते हैं। फिर दिखाते हैं, गार्डन दिखा देते हैं आपको। यहाँ का जो गार्डन है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा गार्डन है, तो चलो फिर गार्डन दिखाता हूँ मैं। Can you change the rest of peace in my superior? Hermes think of feed the village in Liberia. Can you change the rest of peace in my superior? Can you change the rest of peace in my superior? Hermes think of feed the village in Liberia. Can you change the rest of peace in my superior? यहाँ का जो मंदिर का गार्डन है काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखें मेरे बैक साइड में, काफ़ी अच्छा लोकेशन है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि गार्डन में तो भाई मज़ा आता ही है। और मंदिर तो अभी बंद है फिलहाल में, तो हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि माना है ना, सरकार का जो पालन नहीं करेगा उसको, तो आज वो क्या है, कल छठ है ना, उसी लिए बंद है। तो मज़ा आ रहा है, इंजॉय हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट यहाँ का गार्डन जो है खाली है, भरा नहीं है उतना। भरा रहता तो मतलब थोड़ा पता चलता, क्योंकि देखो कितना खाली है, गैप गैप दिखाई दे रहा है, मतलब ज़्यादा मतलब पौधे वौधे नहीं लगे हैं, जैसे नीचे नहीं रहते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ग्रास होता है, घास होस वो,
तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं है अभी फिलहाल में खाली पूरा। तो गाइस एक भैया हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं, तो हम लोग को आउटसाइड में जा रहे हैं, खंडर है आउटसाइड में, वहाँ पर हम चल रहे हैं जो मंदिर के पीछे है आउटसाइड में। तो वही हमें चलता हूँ वहाँ का दिखाता हूँ और बताता हूँ उसके बारे में कि कब से मतलब खंडर का मतलब कैसे हो गया, खंडर पहले तो चालू था अभी क्यों खंडर हो गया। चलो मैं फिर दिखाता हूँ आपको, फिर बताता हूँ उसके बारे में। गाइस हम लोग आ चुके हैं आउटसाइड में जो खंडर है वहाँ पे। तो ये अंग्रेजों के ज़माने का मतलब जो खंजर है वह है, तो वो काफ़ी पुरानी मतलब यहाँ पे ईंटें और कुछ जो सामान है काफ़ी पुरानी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो काफ़ी पुरानी ईंटें उटे हैं, और भाई हम जो वहाँ पे बनाया हूँ जो महल का बनाया था उससे ज़्यादा ये पुरानी लग रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से मतलब समझ जाओ कि हम लोग नहीं थे तब का यह है। तो अंदर चल रहे हैं, फिर बैग से दिखाते हैं अंदर का जो खंडर है, फिर दिखाते हैं आपको, फिर बताते हैं क्या लग रहा है। ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा ही है, और अंदर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो देखो कितनी पतली मतलब सीढ़ी है। अब मुझे अक्सर ऐसा मतलब ऐसे जगह पर बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि पुरानी जगह है, कब गिर जाए कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है हम लोग को, तो इसलिए फिर आराम से ही देखना पड़ेगा। केयरफुली आपको बता रहे हैं, केयरफुली दिखा रहे हैं वीडियो। और ये तो काफ़ी पुरानी मंदिर, बहुत पुरानी है भाई। तो गाइस देख सकते हैं खंडर में कितना मतलब जंगल हो गया यहाँ पे, काफ़ी पुरानी है ना, उसीलिए मंदिर के पीछे है ना भाई, मंदिर के जस्ट पीछे है आउटसाइड में। तो कहाँ अंग्रेज, कहाँ हम लोग, अंग्रेज कितने मतलब कितने साल पहले थे, तो हम लोग अभी आए हैं ना, तो देखो कितना पुरानी हो गई ईटे, देखो रिपेयरिंग चालू है। हाँ ईटे देखो कैसा है, देख कर आपको पता चल जाएगा कैसा कब का है मतलब किस सन का है। और नीचे का यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, काफ़ी तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे देखभाल के लिए मतलब मंदिर को देखभाल के लिए काफ़ी मतलब रखे गए हैं, मतलब जो कहते हैं सिक्योरिटी वो रखे गए हैं, और काफ़ी अच्छा रखे हैं इनको, बचा कर रखे हैं मंदिर को, और टाइम टू टाइम इसको मतलब वो कहते हैं क्या कहते हैं मरम्मत रिपेयरिंग करते मतलब किए मतलब करते रहते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर, देखो साइड से। हाँ नाइट में आएंगे तब ना हम लोग जाना, कुछ ऐसा नज़ारा है बैक से। इसको कंट्रोल करने के लिए एक जनरेटर है काफ़ी बड़ा है। फाइनली गाइज हम लोग घर के लिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज कमेंट करना कैसा वीडियो था और कैसा मंदिर लगा है आपको, जो खंडर था उसके पीछे जो था मंदिर के पीछे उसको बताना कैसा था, काफ़ी डरावना था तो बताना आप लोग कमेंट करना। और जो चैनल पे न्यू सब्सक्राइब बेल आइकन को ऑल पे कर लें कि ऐसी वीडियो मिलती रहे आपको हरदम, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।